क्या है? चुप पे रहा ना, सुनो। हाँ, ये छोटा सा राजकुमार जानकी जी को ले जाएगा? ले जा सकता है ना। हाँ, पकड़ो इन सुकुमारों को, पकड़ो, मत दया करो इन कुमारों पर। नहीं करेंगे। हेलो, मत दया करो इन कुमारों पर। नहीं करेंगे है ना। हाँ, अब सुनो, ढोकला वो विश्वामित्र है ना। हाँ, उनके दाढ़ी में जो उठा कर फेंक दो, फेंक देंगे। और सुनो, राजा जनक हमें कुछ भी बोले, बल्ली में क्रेप फिट करके मारो, मार देंगे। क्या देख रहे हो? हेलो, चंदन नगर का राजा हूँ, चंदन सिंह मेरा नाम है, बहुत दूर से आया हूँ, गुरु जी को प्रणाम। देख लगा ये बाबा टंगिया घर के आ गए। बाबा कौन हाथ लगा पे का कर दे, पेट पर लंबा छोपे लगा। अब तुलसी मेरा नाम है, अब बाबा तुलसी मेरा बाप, बहुत दूर से आया हूँ, गुरु जी को करा तो प्रणाम मेरे, भजन बोलो भाई। साहू जी ग्राम बाग डोंगरी बस्तर वाले, जो कि पप्पू साहू की साड़ू भाई है, जिनकी ओर से 100 रुपए भेज हुए हैं हमारी मंजी की ओर से, बहुत बहुत सीता को लेकर गोसाई जी को प्रणाम कराओ। हे पुत्री सीता, जब तक इस भूमंडल में सुश्री गंगा जी की धारा है, सौर्य चंद प्रकाशित है, अटल रहे सुहाग तेरी, ऐसी आशीष वचन हमारा है, हमारा है, हमारा है। ये दोनों बालक अयोध्या निवासी महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। सौर्य वर्ण का उनका नाम राम है, गोरे वर्ण का इनका नाम लक्ष्मण है। ये दोनों भाई आपको प्रणाम कर रहे हैं मुनिवर, इन दोनों भाइयों को आप सुआशीर्वाद दीजिए। चिरंजीव भो राजकुमारो, विधि भो विधि भो विधि। पौर विलोक की देशन कहाँ कहाँ अति भीर, पूछत जाने जानकी विद्यापे को सहीर। हे जनक, कहो क्या कारण है, ए भारी भीड़ भार क्यों है, अभे सरसा कैसा था, इन वीरों में छेद छड़ क्यों है, मिथलेश आज तुमने कौन सा
रहे हैं देश और प्रदेश से राजा महाराजा लोग आए हुए हैं, और तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारे क्षत्रिय समाज में ये प्रश्न को पूछे बिना ऐसा कोई सम्मेलन नहीं किया जाता। लेकिन अब तुमने कौन सा मामले कार्य किया है कि राजा महाराजा लोग और ये शोरगोल क्यों मचा रहे हैं? मैंने तो प्रण किया था शिव जी के कठिन धनुष में, जो कोई भी वीर उस धनुष को तोड़ेगा वही वीर के साथ पुत्री जानकी का पानी ग्रहण करूंगा। तो महाराज आपकी कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण हो गए, शिव जी के धनुष भंग हो गए। महाराज क्या कहे चरण, शिव जी का धनुष खंडन हो गया। हाँ महाराज, लेकिन वो धनुष कहाँ है? देखिए सामने में रखा हुआ है। अपने आचरण से नित्य प्रति साफ किया करती थी, नंदी अपने जिभ्या से उन्हें साफ किया करता था, और उन्हीं महान शक्ति के सहारे क्रोधित प्राणी भोलेनाथ ने त्रिपासुर दैत्य का विनाश किया था। आज ये वही धनुष जो टुकड़े में खंडन हो गया और ये तुम्हारा तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों का यह काम वही कर सकता है। हे गोसाई जी, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका दास यह सेवक होगा। भगवान वह इस दुनिया में सेवकाई का पात्र है। जिसने पैरी का सा काम क्या है वो तो फरसे का भोजन है। हे राम बना है हुआ तो एक छत्री कुल की गाड़ी में इसलिए मसल याद आए जिनका है चोर की गाड़ी में। राम सुना, जिसने शिव जी के धनुष का खंडन किया है वो तो मेरा शत्रु वो सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान है, और वो अपराधी इस राजसभा को छोड़कर अलग हो जाए कौन है वो? हाँ तो नहीं जाना गुरु जी, ये धनुष लखोट टूरी तेला हाँ तो बहुतिया हर हार्वेस्टर चला ला रहे हैं। अरे वो मीठे मीठे बोली के कारण ही
तोता पिंजरे में आता है, जो जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे मीठे कन्ने को देखो, कोल्हू में पेरा जाता है। भैया ने मीठा वचन कहा, क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले यह बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अच्छा अपराधी हमेशा ही हम नहीं चहल निचोड़ा है। जो कुछ करना है करो आप, शिव धन वह हमने तोड़ा है। हे भगवान, हमने बचपन में कई धनुष तोड़े, पर आप ऐसा क्रोध कभी नहीं किए थे ना। मैंने बालक को बस बालक तो ही सुहा, एक धर है सम, एक त्रिपुरार धरा, वेदर सकल संसार। अरे ओ राजा के लड़के, सपने चुवाल को स्वभाव को नहीं बोलता, इतने प्रेम प्रचंड धनुष को जो छोटे छोटे धनवा के बराबरी देता है, वो राजा के लड़के के मुहको ढेर संभाल रहा है। तो अरे बच्चे से क्रोधी के आगे के आंखें लाल निकाल रहा है। तो श्री शंकर जी का ये महान फलक अत्यंत दीपोत्तम है, इतने बड़े को रंग भरा के छोटे छोटे धनुष है। नादान बालक, ये भगवान शिव जी का ये महान पिनाक है और उसको सारा संसार जानता है। और तो नहीं जानता, जानता हूँ। क्या जानते हो? श्री महान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है यह गहना, यह गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता हरण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए हो शांति ब्राह्मण। क्या हुआ तुझे जो ये पाप करता रहता है? क्या निर्तारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डरता जाता है? अरे तो सीधा ब्राह्मण न जान, मैं छत्र को कहा द्रोही हूँ भगवान से, और ये बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरी खोरी फसे ने स्वर्णित्य नदी भा दी है, इस आर भनक के पास छत्र ने रान बढ़ा दी है। नादान बालक, मैंने प्रथम रोग से अनेक अनेक राजा महाराजा को पराजित कर ये सब भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी है। अरे देख, ये वही फरसा है। बस बस इसी एक ही फरसे से सूर्य का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी के एक घाट पर फरसट्टे का बाजार खुला। क्या बुरा फरसा दिखलाकर छत्री कुमार को डरा रहे हो? बलिहार बलिहार, आप उन भूखों से उदिया चल पर्वत उड़ा रहे हो। हम उस माई के ला नहीं जो हमें से डर पा जाए, वह छुईमुई के पेड़ नहीं जो इसे मुरझा जाए। बड़ा से हंसे छोड़, अन्यथा रुलाएगा ये फरसा, डर देगा खट्टे दांत भी, सब फाड़ चखाएगा ये फरसा। अरे तू बच्चा है, बच्चा ही रहा, क्यों मेरा कर से मरता है? मैं जैसे क्रोधी के आगे किसने पत्पना करता है? नादान अपना पत्पना करना छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे काट कर फेंक दूंगा मूरख। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुमको शोभा नहीं देता जो बच्चे के मुंह में लड़ते हैं। मेरे मुंह में दूध नहीं जो तुसी से तूसा जाए। डर है फरसों की लपटों से जो अत्यधिक उबाल ना जाए। भगवान, बच्चों की बोली पर अनुचित या उचित ना रहता है, वह तो गंगा की धारा है जो अपने मस्ती में बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेते या लाते भी, वीरों का भेद देखकर इतने की बातें इसमें भी। राम जो सच्चा प्रधान तुम हो, अपराधी के तो ये मेरा
यह धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनके ही सब संपदा हुआ। जो मालिक था इसने इसको अपने आगे तोड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो कर पड़ झाला। क्या मरे धनुष के स्वागत में तुम ब्राह्मणों ने आए हो, या देख छात्री का समाज यूं ही सिर होने आए हो। बहुत कष्ट का बकवास, ये सब सभ्यता का तुझे मिलेगा स्वाद। जो पितृहीन शरीर हुआ और माता का बलि दाता है, वो हाथ गुरु ऋण के कारण बस एक बार फिर जाता है। इसलिए मुबारक मौका है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं, अपने खोने फंसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। नादान बालक, मैं अपने गुरुदेव के ऋण से ऋण होने के लिए इस फंसे से काट कर मैं तेरा बलिदान कर दूंगा। फरसा दिखला कर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो, क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वह सुर नहीं कहलाते हैं जो अपने अब्बा खान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा ही तुमको शुभ हो, जिसने घर का लहू चाटा। बलिहार मैं उन हाथों की, जिसने माता का सिर काटा। अब रहा से गुरु का ऋण, तो मैं इनको निपटा लूंगा। ले आए आप महाजन, कोई कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। लक्ष्मण तो छोटा है, परंतु बड़ा ढेर था खोटा है। सोने के लोटा में भी है जिसे दूध मिलाकर खोटा है। शंकर के धन को सोर सब अपने मन का, अरे रवासों में खेला है, मैं देखा है वो रण स्थल का। नादान बालक, अब है तो तू राजमहलों में पड़ा पड़ा हुआ है और वो रण स्थल की बातें करता है। अपने इरादा को बदल दे, नहीं तो ही होगा जो चाहेगा ये बरसुरा। जो बड़े इमारत वर्षों में घंटों में गिर पड़ती है, मंडल में उम्र गुजरती है, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें हम किस बल का जो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत को देखो, कितने मोटे ही मोटे हैं, पर जिनसे एक चबाते हैं वह छोटे ही छोटे हैं। रणवासों के पाले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल विश्वों को तो कुछ उससे लड़ते हैं। नहीं परेशानी, आपको तो नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार माता पिता गुरु अपने बच्चों की गलती पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें क्षमा कर देते हैं, उसी प्रकार आप भी क्षमा कर दीजिए। क्षमा करो कौशिक नंदन। हाँ परेशान जी, आप तो जानते हैं मुनि और जो बिना क्रोध है दूसरे हाथ में तोड़ दिए, तीसरा मेरे गुरु का द्रोह है, छोड़ता हूँ मैं बिना कतल के। इस बालक को मैं छोड़ देता हूँ। परशुराम जी छोड़ दे, तो तंगिया धारे में ही परंतु देखो, अरे देखो देखो ये मुस्कुराहट, ये करती बिजली छाती है, इसकी ये भिन्न भरी चितवन मुझ पर आप लगाती है। अरे इसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको
हिम्मत मजबूर करो, मेरी आंखों के सामने से इस बालक को दूर करो। हे विश्वामित्र जी महाराज, इस मूर्ख बालक की हंसी मेरी छाती को पीड़ित कर रही है, हटाओ मेरी आंखों के सामने से इनको। आंखों से आंखें डरती है, आंख मुन चले जाओ, छाती विदीड़ा होती है, छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडन से है, इनको भी ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लेना, यदि छेड़छाड़ भारती है फिर व्याख्या सुना लेना। क्या व्याख्या सुना रहा है? अपने दासों का लहू पिया या ताप फले फरसे की है, विघ्नाथ हमें गर्दन तो या छाया में है फरसे की है, बस अब इसे काट भी डालूं तो क्या चिंता बड़ अनुरागी है। मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, हे राम तुम्हारे सुनवाते नरमाई मुझ में आती है, परंतु देख तुम्हारे भाई को ये कर्माई फेरा जाती है। अरे देखो तन की सोच तो देखो, यह अब फिर तो मुस्काता है, इसका रहरा करके मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर से हूँ खड़ा हुआ, दई धामे चित पड़ा है, बस से काट हेटाऊंगा। हे राम यही सोचा है, तंत क्या हुआ मुझे, क्या बाण आगे बढ़ता है, ये फरसा पहाड़ सा हो गया मेरे लिए, जो ये उठाए सन है उड़ता है, ये फरसा पहाड़ सा क्यों मालूम पड़ रहा है, अरे क्यों? यहाँ चार में गर्मी धरे ले देखा था, यहाँ चार में गर्मी देखना संभालना इसी जगह, मूर्ख होकर मत रह जाना, यह ना हो कि मंदिर भी फिर यह आपका बनवाना। पूजा की सामग्री इस समय हम नहीं रखते हैं, भगवान एक स्वीकार कर एक हाथ भेंट कर सकते। छोटा भाई बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, और तो मीठे मीठे बातों से खाओ को मेरी सेक रहा, एक है नर्म और एक है गर्म, क्या पकड़ने है इन दोनों के, क्यों विश्वामित्र जी महाराज देख रहे हो, चला कि अपने दोनों खेलो। परशुराम जी आपकी शांत हो जाइए। हाँ लड़का बोला समझाए छोड़ के उनकी बाबा समझावा था, देखे राम तुम अभिमानी हो, तुझे अभिमान हो गया है कि मेरे शंकर जी के धनुष का खंडन क्या है, परंतु ये मूर्ख ये कुजात कर जन्म का दशत प्राण हरे ऐसे पापी अंध को राम संख्य ले। राम ये तुम्हारा भाई ये तो पापी है, राम ये तो पापी है। पापी पापी कहते हो, पापी हो खुदा, क्या माता मारकर उड़न हुए कब मारू पाप, तुमसे पापी हम नहीं बधित अपनी माय, तीन लोक में फिरत है मुख में राख है। राम के बच्चे राम ये वाक युद्ध हो चुका, अब ये बाण युद्ध हो, राम रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं प्रसाद कहलाता हूँ और तो है राम कहलाता है, मेरे नाम को छन कर तो मन पर है थाप जमाता है, अतयो राम तो बनता है तो कर्म से संग्राम भी, वरना जगत को मत भका जय त्याग राम का नाम भी। राम या तो तुम अपना राम नाम कहना छोड़ दो या ही तो मेरे साथ संग्राम करो। राम अब तो इस फरसे को अपने भाषा पर ही चलवाइएगा, मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर ही निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावर तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण कहे छत्री का वही नाम क्यों। छत्री के बच्चे
भीगराज आप मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मैं हूँ राम, आप है परशुराम। हे गोसाई जी, मैं आपको बार बार विनती करता हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारा ब्रह्मा की सृष्टि को क्षण भर में नष्ट कर दूँ, तुम्हारा शिव को जीवासन से दिखा दूँ। हे परशुराम जी, मैं वही राम हूँ। क्या वही राम, क्या इस भोतल पर श्री हरि नारायण भगवान का मारा अवतार हो गया? हो सकता है, क्योंकि मैं जितना क्रोध करता जाता हूँ ये बालक उतना ही विनम्र होता चला जाता है। और यह सुंदर स्वभाव श्री हरि नारायण भगवान है, परंतु मैं जानू कैसे, मुझे परीक्षा करके देखना चाहिए। हाँ, ये है हमारे बल्लू के आए थे नित्यानंद भाई। आओ बल्लू के, बल्लू के की ओर से 50 रुपए भेज हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। परशुराम जी को श्री राम जी अपना परिचय देते हुए अपना पूर्व पहले का रूप भी दिखाते हैं। आप जानते हैं श्री राम जी विष्णु जी का अंशावतारी है। जिस विष्णु रूप को देख करके परशुराम जी को विश्वास होने लगता है, साथ साथ भृगु चरण चिन्ह भी देखते हैं। एक समय परशुराम जी के पूर्वज यानी उनके दादा परदादा भृगु ऋषि जिन्होंने विष्णु जी के हृदय पर अपनी चरणों का प्रहार किया था, वही चरण चिन्ह परशुराम जी देख करके पहचान जाता है और उन्हें विश्वास हो जाता है कि यही ब्रह्म की अवतारी है और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करते हैं। त्राहिमाम भगवान, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। हे सीतापति आपकी जय हो, हे चराचरपति आपकी जय हो, हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो, हे नक्कुर रूपी कमल के सूर्य, दैत्य रूपी गंभीर वन को जलाने के लिए अग्नि के समान भगवान आपके जय हो, जय हो। हे करोड़ों कामदेव के छवि को धारण करने वाले लीलाधारी भगवान आपके जय हो, जय हो। हे नाथ, मैं अपने एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं? हे शिव जी के मन पे मानसरोवर में हंस की भांति विचरण करने वाले महाप्रभु आपके जय हो, जय हो। हे नाथ, मैंने अज्ञानतावश आप दोनों भाई को ना जाने क्या का अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भ्राता, मेरे समस्त अपराध क्षमा कीजिए। त्राहिमाम भगवान, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। बोल परशुराम जी, यह बाण को मैं कहाँ छोड़ू? अगर पृथ्वी में छोड़ता हूँ तो पृथ्वी अपनी अस्तित्व खो बैठेगी। यह बाण अगर समुद्र में छोड़ता हूँ तो समुद्र का जितना जीव जंतु चराचर है वो खत्म हो जाएंगे। यह बाण अगर आकाश में छोड़ता हूँ तो आकाश का सारे मंडल टूट फूट कर बिखर जाएंगे। इसलिए यह बाण को मैं कहाँ छोड़ू? हे प्रभु, कोई कांवर मरे भगवान ये कल मुर्ग पर छोड़ दे। हाँ,
आपका कहना सदा सर्वदा सत्य है। आप इन महान शक्ति को जहाँ भी छोड़ेंगे केवल नष्ट ही नष्ट है। भगवान आपसे मेरी विनती है, मैंने इस पृथ्वी रोग से अनेक अनेक राजा महाराजा को पराजित किया है, मेरे इन फरसे के द्वारा मेरे इन हाथों से जो निर्दोष भी मारा गया हो और जो निर्दोष हत्या का कलंक जो मुझ में लग गया हो, हे प्रभु इन महान शक्ति को वहीं छोड़े ताकि वो पाप जल करके भस्म हो जाए और मैं भी उस पाप से मुक्त हो जाऊं। प्रभु अब आप अपने श्री चरणों